अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज से हमने अपने इस चैनल पर इंतहाई मुजर्रब औराद व वज़ाइफ़ और मसनून दुआओं का एक नया सिलसिला शुरू किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मौजूदा हालात में जहां इंसान बेशुमार मसाइल का शिकार है, वहीं हमारी ये छोटी सी काविश शायद किसी दुखी बहन या भाई के लिए परेशानियों से निजात का ज़रिया बन जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सकें। लोगों में इज्जत और एहतराम हासिल करने के लिए वज़ाइफ। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दरमियान आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो और लोग दिल से आपकी इज्जत करें, तो वीडियो में दिखाए गए वज़ाइफ में से कोई एक वजीफा कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक और गौर से ज़रूर देखिएगा। याद रखिए, किसी भी अमल की कामयाबी का दारोमदार अल्लाह और उसके कलाम पर आपके पुख्ता यकीन पर मुनसिर है। जल्दबाजी और मायूसी से बचें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पहला वजीफा, जब भी घर से बाहर निकलना हो तो बावजू निकलें और एक एक बार सूरह फलक और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। इस तरह न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आप कई मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा वजीफा, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 40 मरतबा या अजीज़ो पढ़ें। अमल की मुद्दत 40 दिन है। इंशाअल्लाह इज्जत और एहतराम में नाकाबिले यकीन इजाफा होगा और अमल करने वाला किसी का मोहताज नहीं होगा। तीसरा वजीफा, जब भी घर से बाहर निकलें तो एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर दोनों हाथों पर फूकें और हाथ चेहरे पर फेर लें। बाहर जो भी आपको देखेगा आपसे मुतासिर होगा और आपकी इज्जत करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और मज़ीद वज़ाइफ़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।